छत्तीसगढ़ में ये चुनावी साल है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही था, लेकिन अब बात टिकट बंटवारे तक आ चुकी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है जिसने सियासी हलचल पैदा कर दी है। बयान बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर है। दरअसल बीजेपी जिस तरह से गुजरात मॉडल में 50% विधायकों के टिकट काट कर नए चेहरों को मौका दे चुकी थी, ऐसे में गुजरात में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हालांकि ये फॉर्मूला हिमाचल में नहीं चला, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस बार डॉक्टर रमन सिंह समेत कई जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनकी टिकट कट सकती है। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने और इस पर बीजेपी की क्या आई है प्रतिक्रिया, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। क्या छत्तीसगढ़ में भी लागू होगा गुजरात मॉडल? क्या प्रदेश के सभी 14 भाजपा विधायकों की कटेगी टिकट? क्या डॉक्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल भी टिकट से हो जाएंगे वंचित? दरअसल ये सवाल भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में चुनावी राज्यों में गुजरात मॉडल लागू करने की चर्चा से उठ रहा है। इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि अगर गुजरात मॉडल लागू होगा तो सभी 14 विधायकों की टिकट कटेगी। मुझे तो डॉक्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल की चिंता सता रही है, कहीं उनकी भी टिकट ना कट जाए। इधर भाजपा के नेता सीएम के बयान पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये है कि 14 विधायक हैं उसको भी टिकट नहीं मिलने वाली है गुजरात में, ये है। मुझे चिंता रमन सिंह बृजमोहन की है कि उसकी भी टिकट ना कट जाए। अपनी पार्टी की चिंता कर ले यार भाई, जहाँ संवादहीनता बनी हुई है आपस में मंत्रियों की, ढाई ढाई साल का बंटवारा नहीं हो पाया, एक मंत्री लिखता कलेक्टर के बारे में उस पर कोई निर्णय नहीं कर पाते, अपनी पार्टी में फूट है, अपनी पार्टी में प्रभारी आते उनके सामने तूतू में होती, जनपद जिला पंचायत के लोगों की सदस्यों की बातचीत नहीं होती, अपनी पार्टी संभाले। भाजपा की चिंता मत करें, 2023 का लक्ष्य स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ भय मुक्त कराना है, विकास की राह आगे बढ़ाना है। गुजरात में भाजपा ने 50% से अधिक विधायकों का टिकट काट दिया, वहां भाजपा को इसका 100% रिजल्ट भी मिला। लगातार 5वीं बार भाजपा ने गुजरात में ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हालांकि यही फॉर्मूला हिमाचल में नहीं चल पाया। छत्तीसगढ़ में किसे टिकट मिलेगी किसे नहीं, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा, लेकिन सीएम ने एक बार फिर सबकी धड़कनें जरूर बढ़ा दी हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।